हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई बायोलॉजी, और इट्स मी अविनाश शिंगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ये दो चैप्टर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दोनों ही चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हाईली वेटेड चैप्टर होने वाले हैं। दोनों ही 10 मार्क 11 मार्क, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 10 मार्क 11 मार्क के लिए पूछा जाता है। ये कभी कभी 8 मार्क 9 मार्क 10 मार्क 11 मार्क 12 मार्क तक ये गया है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर है यहां तक? और रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, मैं आपको बताता हूं कि रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन ये चैप्टर में से कुछ भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट, मतलब सिंपल से कॉन्सेप्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट भी एकदम सिंपल सा है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट भी एकदम सिंपल सा है, ऐसे कुछ बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, ठीक है। तो पहले डिस्कस करेंगे हम, मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लीजिए कंप्लीटली, जो कि डिफरेंस बिटवीन होता है, डिफरेंस बिटवीन कर लीजिए। उसमें से सबसे पहले अपना ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन, एकदम से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल। आपने अभी तक नहीं देखा है कि अभी तक अच्छे से आपका स्टडी नहीं हुआ है, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपका अच्छे से स्टडी होना चाहिए अभी तक, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भूल गए तो जल्दी से जाइए, चैनल पर वीडियो अपलोड है, मेरा शॉर्ट भी अपलोड है, नहीं तो मैं शॉर्ट की जो लिंक है यहाँ पर दे दूंगा, तो वो शॉर्ट देख लीजिए, आप जल्दी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंस कर लीजिए। आर्टरी एंड वेन का कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अनदर होता है अपना ब्लड कैपिलरी एंड लिम्फ कैपिलरी, इसका भी डिफरेंस कर लीजिए, ठीक है। बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन एक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना, डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर आर्टरीज वेन एंड कैपिलरीज। इनका तीनों ही स्ट्रक्चर आप कर लीजिए अच्छे से, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो कि सबसे पहला आर्टरी, सेकंड वेन्स, और थर्ड होता है अपना कैपिलरीज, इसका भी स्ट्रक्चर कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एनालिसिस के बेसिस पर निकाले, ठीक, ऐसे ही आएंगे और 100% आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। पढ़ना आपको सब है, बट पढ़ने के बाद आपको कोई टाइम बचता है रिवीजन करने के लिए, थोड़ा टाइम में आप कंप्लीट रिवीजन तो नहीं कर सकते, तो जितना टाइम बचा है वो जो टाइम है इसके लिए आप दे सकते हैं कि ये आईएमपी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये तो पूरा करना है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन अच्छे से कर लीजिए, इतना कोई क्रिटिकल नहीं है, थोड़ा सा आप अच्छे पढ़ लेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आपको कंप्लीटली हो जाएगा, ठीक है। और ये आईएमपी रहने वाला है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये कर लीजिए। कंडक्टिंग एकदम सिंपल सी बात है, कंडक्टिंग सिस्टम है और इंटरनल स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म जो टोटल से मैंने उस पर शॉर्ट भी बनाया है, एक मिनट में आपका कंप्लीट हुआ है तो शॉर्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। जारी मतलब चैनल पर जाकर आप शॉर्ट के लिस्ट में जाकर वो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। बात कंडक्टिंग एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, सॉरी ह्यूमन हार्ट, और उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पढ़ लीजिए एमसीक्यू के लिए, किसके लिए, एमसीक्यू, इसमें से एमसीक्यू आते हैं। ये दोनों ही चैप्टर बहुत फेवरेट है सीईटी के, सीईटी के लिए तो आपको अच्छे से करना ही करना है, स्टेट बोर्ड के लिए भी हाईली वेटेड चैप्टर है। मैं आपको बता दूं ये चैप्टर 9 to 10 मार्क के लिए पूछा जाता है, कभी कभी 11 मार्क के लिए भी पूछा जाता है, ठीक है। 9, 10, 8, 9, 10, 11 के लिए, ठीक है। तो बहुत ही लंबा और बड़ा चैप्टर है, मार्क्स के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ठीक है। एकदम सिंपल सा चैप्टर है। तो नेक्स्ट चैप्टर है अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा सा बहुत बड़ा भी है और कॉन्सेप्ट इसके थोड़े थोड़े क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसमें से सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए, और में तो रखना नहीं है, क्योंकि आप मैं आपको बताता हूँ सीईटी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर है ये। उधर अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और अनदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से बहुत सबसे ज़्यादा एमसीक्यू बनते हैं, एमसीक्यू तो कहाँ से भी बन सकते, ठीक है। तो इतना भी कर लेंगे तो ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला, तो आपके हिसाब से कर लीजिए क्या। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्या है अपना, ड्रॉ द नेट लेवल डायग्राम विद ह्यूमन ईयर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आता है बहुत बार, ह्यूमन ईयर और ह्यूमन आईज का दोनों ही स्ट्रक्चर अच्छे से कर लीजिए, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट होता है अपना डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिंपैथिक एंड पैरासिंपैथिक नर्वस सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन द इफेक्ट दे हैव ऑन द हार्ट बीट और द यूरिनरी ब्लैडर। ये भी क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, मैंने टेक्स्ट में से क्वेश्चन लिए हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि रेस्पिरेशन सर्कुलेशन का अंदर से पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, लास्ट वाला जो क्वेश्चन आंसर दिया उसके पीछे एकदम से मत लगिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से आता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अनदर कर लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर, ये भी जो ईजी है ये भी कर लीजिए, ये भी बहुत बार पूछा गया है, हाईली वेटेज है। अनदर है अपना एक्सप्लेन द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी एज द कोऑर्डिनेशन यूनिट इन द मेंटेनेंस ऑफ होमियोस्टेसिस।
ये भी अच्छे से कर लीजिए, ये क्वेश्चन अच्छे से लिख लीजिए, एक पेजेस मतलब पेजेस पर लिख लीजिए उसका आंसर क्या क्या लिखना है, वो सारी बातें आपके मतलब एकदम से अरेंज कर लीजिए, मतलब आपको सॉल्व करने के लिए इजी जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट होता है अपना व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड एट्रोफी ऑन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी मतलब थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड पढ़ना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी होने वाला। और लास्ट में हार्मोन्स पढ़ लीजिए, सारे हार्मोन पढ़ लीजिए, एमसीक्यू आ सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ओवेरियन जो हार्मोन्स होते हैं वो सारे हार्मोन्स पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लेंगे तो आपको मेजॉरिटी इसमें से आ सकता है। तो सारी बातें क्लियर, मतलब ऑब्वियस बात है कि सारी बातें पढ़ लीजिए, क्लियर है यहाँ तक बात, ओके। अभी तक आपने चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट से कोई नया स्टूडेंट आया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसे जरूरत है, रिलेटिव्स हो, दोस्त हो या अनदर कोई भी हो, उनको ये चैनल शेयर जरूर से कीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद।